नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज़ खबर वाराणसी से। मानव कल्याण और संस्कृति के समन्वय के उद्देश्य से राष्ट्रीय विद्युत संगोष्ठी का शुभारंभ दिगंबर जैन पार्श्व नाथ मंदिर भेलूपुर में हुआ। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। और देवों से प्रोफेसर जानकी प्रसाद जी द्विवेदी, सूर्य जी, प्रोफेसर रमेश नेगी जी, निवेदन करूंगा कि आज से ठीक प्रचलन की प्रक्रिया को डॉक्टर जानकी प्रसाद जी द्विवेदी हमें भूल जो मिल जाए सच कहता हूँ गुरु दर। सुनी पुष्पा जी और श्रीमती सुषमा जी, इनसे भी निवेदन करूंगा कि पूज्य श्री को साथ में करें, साथ प्रदान करें। बहुत बढ़िया, हमारी संस्कृति को संरक्षित करने में महिला वर्ग का विशिष्ट योगदान है। तालियां बजाएगा। कई बार पढ़ाया, मैं बुखार में था, बीमार था, उस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते मेरा बुखार ठीक हो गया, दवा नहीं करना है। मैं तब सिक्किम में था, ग्रंथ मिला हमको बोधिचर्या अवतार। चंदन मुनि जी ने क्या किया कि जवान रात पटले लसदुर्द पुनराते वैष्णवा भुवन मासु पवित्र यंती अवैष्णवो हतो देशा, ये सब रट के बैठते हो। तो चंदन मुनि जी ने हवा नहीं होता है, ये सब जगह होता है, इसको देखना पड़ता है। श्यालता की चीज में लगा रहता है, संभावनाएं दोनों रहती हैं। ये दृष्टि हमारी वस्तुतः खुली है, ये मैं कोई कपोल कल्पना यहाँ सुनाने के लिए नहीं मैं बोलता हूँ। कमलेश जैन जी ने, अशोक जैन जी ने पंडितों के बीच में हमारा व्याख्यान कराया है बीओचू में। कोई जैन रहे न रहे तो भी मैं ये बात कक्षा में भी बोलता हूँ। इससे हमको प्रेरणा मिली कि दूसरे की भी बात सुननी चाहिए। ये श्रमण परंपरा, विशेष करके जैन परंपरा ने इस शरीर को सिखाया है काशी में। श्रमण परंपरा का योगदान हम देख रहे हैं भारतीय राष्ट्र निर्माण में। तो ये छोटे से जो छोटा सा मेरा राष्ट्र है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाला, इस राष्ट्र को श्रमण परंपरा ने, जैन परंपरा